हर चीज़ का हल होता है, आज नहीं तो कल होता है, यही आज की कहानी का नाम है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक राजा की सेवा से प्रसन्न होकर एक साधु ने उसे एक तावीज दिया और कहा कि राजन, इसे अपने गले में डाल लो और जिंदगी में कभी ऐसी परिस्थिति आए कि जब तुम्हें लगे कि अब तो सब खत्म होने वाला है, परेशानी के भंवर में अपने को फंसा पाओ, कोई प्रकाश की किरण नजर ना आ रही हो, हर तरफ निराशा और हताशा हो, तब तुम इस तावीज को खोलकर इसमें रखे कागज को पढ़ना, उससे पहले नहीं। राजा ने वह तावीज अपने गले में पहन लिया। एक बार राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार करने घने जंगल में गया। एक शेर का पीछा करते करते राजा अपने सैनिकों से अलग हो गया और दुश्मन राजा की सीमा में प्रवेश कर गया। घना जंगल और सांझ का समय, तभी कुछ दुश्मन सैनिकों के घोड़ों की टापों की आवाज राजा को सुनाई दी। उसने तुरंत घोड़े को एड लगाई, राजा आगे आगे, दुश्मन सैनिक पीछे पीछे। बहुत दूर तक भागने पर भी जब राजा उन सैनिकों से पीछा नहीं छुड़ा पाया, भूख प्यास से बेहाल राजा को तभी घने पेड़ों के बीच में एक गुफा सी नजर आई और उसने तुरंत स्वयं को और अपने घोड़े को उस गुफा की आड़ में छुपा लिया और सांस रोककर बैठ गया। दुश्मन के घोड़ों की पैरों की आवाज धीरे धीरे पास आने लगी। दुश्मनों से घिरे हुए अकेले राजा को अपना अंत नजर आने लगा। उसे लगा कि बस कुछ ही क्षणों में दुश्मन उसे पकड़कर मौत के घाट उतार देंगे। वह जिंदगी से निराश हो ही गया था कि उसका हाथ अपने तावीज पर गया और उसे साधु की बात याद आ गई। उसने तुरंत तावीज को खोलकर कागज को निकाला और पढ़ा। उस पर्ची में लिखा था, यह भी कट जाएगा। राजा को अचानक ही जैसे घोर अंधकार में एक ज्योति की किरण दिखी, डूबते को जैसे कोई तिनके का सहारा मिल गया। उसे अचानक अपनी आत्मा में शांति का अनुभव हुआ। उसे लगा कि सचमुच यह भयावह समय भी कट ही जाएगा, फिर मैं क्यों चिंतित हूँ। अपने प्रभु और अपने पर विश्वास रख उसने स्वयं से कहा कि हाँ, यह भी कट जाएगा। और हुआ भी यही। दुश्मन के घोड़ों को के पैरों की आवाज़ पास आते आते दूर जाने लगी। कुछ समय बाद वहाँ शांति छा गई। राजा रात में गुफा से निकला और किसी तरह अपने राज्य में वापस आ गया। दोस्तों, यह सिर्फ किसी राजा की कहानी नहीं है, यह हम सब की कहानी है। हम सभी परिस्थिति, काम, तनाव के दबाव में इतने जकड़ जाते हैं कि हमें कुछ सूझता नहीं है। हमारा डर हम पर हावी होने लगता है। कोई रास्ता, समाधान दूर दूर तक नजर नहीं आता। लगने लगता है कि बस अब सब खत्म है ना। जब ऐसा हो तो दो मिनट शांति से बैठिए, थोड़ी गहरी गहरी सांसें लीजिए, अपने आराध्य को याद कीजिए और स्वयं से जोर से कहिए, यह भी कट जाएगा। आप देखिएगा, एकदम से जादू सा महसूस होगा और आप उस परिस्थिति से उबरने की शक्ति अपने अंदर महसूस करेंगे। आजमाया हुआ है, बहुत कारगर है। आशा है जैसे यह सूत्र लाखों जीवन में प्रेरणा दे चुका है, आपके जीवन में भी प्रेरणादायक सिद्ध होगा।